मेरी बेइज्जती कर देंगे यार। हाँ? अरे भाई भाई मेरे ब्लॉग मेरी बेइज्जती यार, ये तो सिर्फ व्यू पाना चाहते हो। है यार पोला आ चुका है, इसका नाम पोला है भाई। फ्री की काफी नहीं पिया कर। कैसे कितने बज रही है? फ्री ना फ्री 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 आखिर किस कैन की है? चिमटा टेढ़ा हो गया है स्कूटी का। चिमटा बाबे बजान चिमटे लोग पीने लिमके। सर चिमटा टेढ़ा हो गया है। कल बात ये है कि स्कूटी का चिमटा टेढ़ा हो गया है। चिमटा तो अभी ये पोएंगे इसको बाद में चिमटा। अभी हम जा रहे हैं जिम, तो स्कूटी में तीन बंदे अलो नहीं है। कंपनी वालों ने बोला कि चिमटा पहले पड़ेगा, उसके बाद बैठेंगे तीन बंदे। तो भाई आ चुके हैं अपने मंदिर में, तो अभी करेंगे यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि सेना तगड़ा हो तो भाई किसी का दम नहीं आता पास आने का। तो भैया आज हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा पता कहाँ से, ठीक है? कुछ अलग करते हैं भैया। आज हम दो चीज़ों पे काम करेंगे। पहला हम मसल पे काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें ना थोड़ा सा साइज भी गेन करना है, उसके साथ साथ हमें कटिंग भी चाहिए। कटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, दो सेट आपको कंबाइन करने पड़ेंगे। उसके लिए आज जो हमारा स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा यहाँ से इनक्लाइंड बारबेल प्रेस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पैक डेक, वो और ये एक सेट, ठीक है? तो उसके बाद रहेगा हमारा इनक्लाइंड डंबल प्रेस और इनक्लाइंड फ्लाइट्स, इस पे ठीक है। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी प्लेन बारबेल प्रेस। हम करने वाले हैं तगड़े वाला वर्कआउट और तगड़े वाला पंप लाने वाले हैं आज, बस अब रेडी हो जाइए। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपको अपने मसल पे काम करना है ना, अपने मसल को फटीग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, दो एक्सरसाइजें जोड़नी पड़ेंगी। दो एक्सरसाइजें आपको कंबाइन करनी है, एक साइज को गेन करने के लिए और दूसरा कटिंग के लिए। क्योंकि अगर साइज गेनिंग की एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपको कभी भी शेप नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके दिमाग में ये वाली चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा सा क्लैरिटी लानी है पढ़ पढ़ के। क्लैरिटी कहाँ से आएगी? पढ़ के, किसी को सुन के नहीं। अगर आप सुनोगे ना, वो तो आपको हर एक बंदा अपनी अलग राय देगा। तो इसलिए सबकी राय से नहीं चलना, चलना आपको खुद की राय से है। और खुद की अच्छी राय कहाँ से आएगी, जब आप वर्कआउट करेंगे, कहाँ पे? बुक्स पे, जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप अच्छी नॉलेज लेंगे। आपको पता होगा कि मसल गेन करने में वर्कआउट कैसा करना है, हैवी करना है या लाइट करना है। उसके बाद आपको कटिंग जब लानी है, तो कटिंग में आपको क्या करना है, तो मतलब ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फिलहाल दोनों बंदे आ रहे हैं। इतना समय क्यों लगाया आपने? चलो चलो चलो, इनक्लाइंड और साथ में ये करो भाई। मुड़ी पाई है फिर कल दसी है, मुड़ी कैसे पाई है? केड़ी है तो भाई वो है गेनिंग के लिए, ये है कटिंग के लिए, ठीक है? तो मसल तो चाहिए होता है, लेकिन मसल के साथ साथ जब कटिंग होती है ना, चार चांद लग जाते हैं। बोलते हैं ना चाय में अगर चीनी होती है, चीनी का स्वाद तगड़ा हो जाता है, तो वही बात है। इसलिए आपको मसल बिल्डिंग पे भी काम करना है और साथ साथ में वस्कुलैरिटी भी पे भी काम करना है, ठीक है? वस्कुलर होना चाहिए हमारा मसल। तो सिस्टम से चलिए, तो ठीक है। सीधी साफ बात ये है कि आपने कुछ नहीं सोचना, मन नहीं है तो भी जिम आ जाना। जिम आके एटलीस्ट दो या तीन एक्सरसाइजेस कर लेंगे आप, तो कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा है। चलो जी, स्टार्ट। क्या बात है, परफेक्ट। ये भाई मोटिवेशन। चलो भाई चलो खिंचो, बढ़िया बढ़िया। देखो जी जिम में ना सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है, है पार्टनर। पार्टनर अगर सही है ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। बॉडी ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो चलो चलो, चलो। देखो जी जोर, इसको बोलते हैं जोश। ये बंदा अभी शादी में जाने वाला था, लेकिन शादी से पहले ना भाई, मानना कहाँ है, वर्कआउट कंप्लीट करके जाना, यही तो बात है। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। देखो
जिम में अभी अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो भैया भूल जाओ कि आपकी बॉडी बनेगी। तो फिलहाल भाई एक मिनट, हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, ये है प्लेन बारबेल प्रेस और ये है फुल बेंडिंग रो। हाँ जी भाई, वर्कआउट करके आ चुके हैं भाई। धाकर तरीके से वर्कआउट किया आज हमने, काफ़ी टाइम के बाद। देखो शादियों के बाद ना मतलब एकदम से एनर्जी ना लो हो जाती है। और आपको बता दूं कि भाई वर्कआउट अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको मसल्स चाहिए, जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ना जिंदा रहने के लिए, वैसे अगर आपको मसल्स चाहिए तो भाई सप्लीमेंट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के बिना इम्पॉसिबल है मसल्स बढ़ना। देखो मैं नहीं बोलता कि प्रोटीन यहाँ से ही मिलेगा, प्रोटीन आप नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन इज़ द बेस्ट, अगर नेचुरल तरीके से। देखो ये भी नेचुरल है, ये कोई इम्प्योर नहीं है, आप टेस्टिंग करवा सकते हैं, आप लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। मतलब प्रोटीन कंटेंट या कंपनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको कोई भी कंपनी सस्ता माल नहीं उठाना भैया, अच्छा लो बेस्ट लो, क्योंकि आपने डालना कहाँ है अपनी बॉडी में, अपने शरीर में डालना। तो बस फिलहाल यही थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो भाई फिलहाल अभी का सीन ये है कि वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, तो फिलहाल अभी का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो बस करना क्या भाई, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भोलेनाथ की कृपा से।